हरे कृष्णा। आज का दिन आध्यात्मिक और संस्कृति की दृष्टि से इस कोटा के लिए ऐतिहासिक दिन है। जब आज यहां पर हम एक भव्य आध्यात्मिक संस्कृति आस्था का केंद्र हरे कृष्णा मंदिर की शुरुआत करने जा रहे हैं, आज चैतन्य प्रभु के इस मंदिर के साथ इस टेंपल के सत्संग की शुरुआत हुई है और उसके बाद परम पूज्य मधु पंडित प्रभु की आशीर्वाद से एक भव्य और आध्यात्मिक मंदिर यहां पर बनेगा। जैसा कि अमिता संदास जी ने बताया, ये मंदिर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से तो आज आस्था का केंद्र होगा, इसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमारे देश के नौजवानों को हमारी आध्यात्मिक संस्कृति से जोड़ेगा, धर्म से जोड़ेगा, ताकि जो आने वाली पीढ़ी हमारी है, जो हमारे नौजवान देश भर के यहां पर लाखों की तादाद में पढ़ने आते हैं, उन विद्यार्थियों को इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मंदिर के माध्यम से जहां शांति मिलेगी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलग अलग तरीके से भगवत गीता का दृष्टिकोण बताया जाएगा, जीवन जीने की राह, जीवन जीने की रास्ते बताएंगे और किस तरीके से वो आध्यात्मिक धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपनी शिक्षा को भी प्राप्त करेंगे और जीवन जीने की राह भी इस मंदिर के माध्यम से उनको मिलेगी। एक विशालतम मंदिर यहां कोटा में बनने जा रहा है। मैं इसके लिए विशेष रूप से मधु पंडित प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्वामी प्रभुपाद की कृपा से देश और देश के बाहर अलग अलग हिस्सों के अंदर इस कॉन टेंपल के माध्यम से मन को शांति और आध्यात्मिक का ज्ञान मिलता है। आप कभी वृंदावन चले जाएं, बेंगलोर चल जाएं, बंबई चल जाएं, केवल भारत के नहीं, दुनिया के विकसित और विकासशील देश के लोग भी वहां पर आध्यात्मिक और शांति के लिए आते हैं। स्वामी जी, ये इलाका पूरा का पूरा जहां विद्यार्थियों का एक केंद्र है, उसके आसपास यहां पर रहने वाले हमारे तमाम लोग जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, लेकिन अत्यधिक रूप से धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, उनके लिए भी ये इस्कॉन टेंपल एक मन की शांति के लिए और आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति के मार्ग पर चलते हुए सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। जब मैं मंदिर में घुसा तो घुसते ही एक मन को एक ऐसी शांति मिलती है। आप जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाते हैं तो जिस आस्था विश्वास के साथ जाते हैं तो आपकी आस्था विश्वास कभी कम नहीं होती। अपना सब कुछ भगवान को समर्पण कर लेते हैं,
नहीं थी। और प्रभु से यही मांगते हैं, प्रभु मैं भी खुश रहूं, सब खुशी रहे, सबके समृद्धि आए, खुशहाली आए। ये हर व्यक्ति जब मंदिर में जाता है तो यही प्रार्थना करता है, और इसी प्रार्थना से इस सारे इलाके के अंदर समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, आध्यात्मिक रूप से सत्य पर मार्ग पर चलने के हमें प्रेरणा मिलेगी। जो व्यक्ति धर्म के प्रति आस्था रखता है वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता है, और जो सत्य के मार्ग पर चलेगा उसकी कोशिश रहेगी न मेरे कार्य से, न मेरे व्यवहार से, न मेरे आचरण से मैं किसी को दुख पहुंचाऊं या पीड़ा पहुंचाऊं। जहां जहां भी धर्म और आध्यात्मिक केंद्र, धर्म आध्यात्मिक लोग रहते हैं वहां पर एक अटूट तरह की शांति रहती है, और हमेशा मन शांत रहकर हमारा आत्मविश्वास, हमारे काम करने की विलक्षण क्षमता, हमारे कर्मयोगी बनने की प्रेरणा हमें हमेशा इस कृष्ण मंदिर से मिलती रहे, और उनके जीवन चरित्र से हम सब प्रेरणा लेकर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। मैं यहां पधारे हमारे विधायक संदीप शर्मा जी, विशेष रूप से गोविंद महेशी जी, जो लाखों लोगों को अध्ययन, अध्यापन, प्रशिक्षण का काम तो कराते हैं लेकिन उन बच्चों में आध्यात्मिक और धर्म और संस्कृति भी आए, इसके लिए अपना सारा जीवन बच्चों के समर्पण करता है। और यही कारण है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है, गुणवत्ता प्राप्त और संस्कारी शिक्षा प्राप्त करनी है तो व्यक्ति को आध्यात्मिक और धर्म के प्रति आस्था रखकर अपनी संस्कृति को बढ़ाना पड़ेगा। और इसीलिए हमें खुशी है कि हमारी कोचिंग चलाने वाले भी श्री कृष्ण भक्त है, और अपने भजन से, अपने गीतों से, अपने आध्यात्मिक ज्ञान से उन नौजवानों को नई प्रेरणा देते हैं ताकि उन जिस लक्ष्य के साथ आए पूरे आत्मविश्वास के साथ सत्य पर चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, कभी उनका आत्मविश्वास नहीं जमाए, इसके लिए उनका प्रयास हमेशा रहता है। और निश्चित रूप से अक्षय पात्र के नाम से पूरे राजस्थान के अंदर, मुझे याद है मैं सबसे पहले अक्षय पात्र से मिल बुला था, मेरे घर पे ही मीटिंग हुआ करती थी, और आज मैं छोटा सा नन्ना सा पौधा जयपुर में जब लगाया था आज वटवृक्ष बनता जा रहा है, आज 2,93,000 बच्चों को एक शुद्ध खाना मिलता है, चाहे वह अजमेर हो, भीलवाड़ा हो, नागद्वारा हो, बारा हो, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, चित्तौड़, उदयपुर और झालावाड़। अब इसी अक्षय पात्र के माध्यम से हमारे कोटा बूढ़ी संसदीय क्षेत्र के अंदर भी बच्चों को स्वस्थ पौष्टिक खाना भी मिलेगा, आध्यात्मिक संस्कृति का ज्ञान भी मिलेगा, और श्री कृष्ण भगवान की प्रेरणा से कर्म योगी बनने की प्रेरणा भी मिलेगी। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हरे राम, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा।